तो इंडिया में पतंजलि के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। कुछ लोगों को पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं पतंजलि के, और कुछ प्रोडक्ट्स हिट हैं और कुछ प्रोडक्ट्स मिस हैं। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरे हिसाब से जो मेरे लिए पतंजलि के स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड टॉप 7 प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इसी तरीके के वर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं कि वर्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पतंजलि, तो मुझे बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं पतंजलि के। बट हम पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 7 स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम पतंजलि, जो कि मेरे अल्टीमेट फेवरेट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करेगा उनके साथ जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, और नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से आपके लिए पतंजलि का बेस्ट और वर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट की फ्रॉम द पतंजलि, और वो है पतंजलि का दिव्य गुलाब जल। ये आता है सिर्फ और सिर्फ 28 रुपए का, जिसमें आपको मिल जाते हैं 120 ml। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये 100% प्योर रोज वाटर है। अभी कुछ दिन पहले ही, लाइक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने इसका कंपैरिजन किया था डाबर के गुलाबरी रोज वाटर से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखेगा। काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो कि ये मेरी कौन सी बॉटल है, और ये भी खत्म ही हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं फिर से परचेज करूंगी। बहुत अच्छा काम करता है स्किन पे। कभी कभी जब मैं टोनर नहीं यूज करती, मेरा टोनर खत्म हो जाता है, तो मैं इसको ही यूज करती हूँ। हमेशा मैं इसको अपने फ्रिज में रखती हूँ। मुझे कोई भी फेस पैक बनाना होता है, मैं पानी की जगह मोस्टली इसी को यूज करती हूँ। आई लव दिस प्रोडक्ट, क्योंकि सस्ते में आपको 100% प्योर रोज वाटर मिलता है। नेक्स्ट है अनदर फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन, और वो है ये पतंजलि का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। बहुत ही सस्ता है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए का, और इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें है शिया बटर, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, गेहूं का तेल, गाय का घी। तो ये सब प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे, किसी लिप बाम में मिलना बहुत मुश्किल है। लाइक एक लिप बाम में इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि लिप बाम 100% प्योर है, क्योंकि इसमें नेचुरल वैक्सेस, विटामिन ई और फ्रेग्रेंस का यूज करा हुआ है, बट इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। एंड मेरे लिप्स काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और मेरे लिप्स को ये बहुत अच्छे से सूट करता है। अगर आपके लिप्स एक्सट्रीमली ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, तो आप एक बार ये लिप बाम जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये लिप्स को काफी अच्छे से सूट करता है, ड्राइनेस वगैरह को बहुत अच्छे से दूर करता है। एक जो इसका कॉन है, वो है इसकी पैकेजिंग, जो कि इस टाइप की लाइक चैपस्टिक फॉर्म में नहीं है। आपको ये ट्यूब फॉर्म में इसे स्क्वीज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को फिंगर्स में लेकर लगाना पड़ेगा। बट अगर हम पैकेजिंग को साइड में रख दें, क्योंकि ये काफी सस्ता आता है, तो क्या ही ज्यादा एक्सपेक्ट करें पैकेजिंग में, तो ये लिप बाम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज अनदर कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट, और वो है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये मैं अभी नया लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो ट्यूब है वो खत्म हो गया है। तो काफी अफोर्डेबल है ये, 80 रुपीज में आपको मिल जाते हैं 150 ml ऑफ प्रोडक्ट, और इट इज एज गुड एज प्लांट वाला एलोवेरा जेल। पहले ही बता दूं कि 100% प्योर नहीं है, इसमें 90% एलोवेरा जेल है, और उसके अलावा इसमें है विटामिन ई, परमिटेड कलर और फ्रेग्रेंस। इसके अलावा इसमें कोई से भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो कहता है वो पूरा करता है। लाइक पिंपल्स वगैरह को दूर करने में, पिंपल्स के मार्क्स दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये एक मल्टीपर्पज जेल है। ये हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी, DIY सब में आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती है। और मैं इसको ज़्यादातर अपने हेयर केयर और अपने DIYs में यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। जब बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी या ड्राई लगते हैं, तो मैं इसे अपने बालों में, सूखे या गीले बालों में लगा लेती हूँ। बहुत अच्छे से फ्रिज को कंट्रोल करता है। मैं इसे अपने काफ़ी सारे हेयर पैक्स में यूज़ करती हूँ, अपने फेस पे एज एन अंडर आई जेल यूज़ करती हूँ। कभी मुझे कुछ इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, कुछ ऐसे इरिटेशन होती है स्किन पे, तो भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल एंड आई लव। नेक्स्ट आई हैव पतंजलि दिव्य कांति लिप। ये प्रोडक्ट मुझे दो रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहला है इसके इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा है कि ये अपने क्लेम्स पर पूरी तरीके से खरा उतरता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक फेस पैक में मिलना मुश्किल है। इसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मेहंदी है, हल्दी है, कपूर है, वाइट सैंडलवुड पाउडर है, और बहुत सारे एलोवेरा जेल, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये 100% प्योर है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। ये एक पाउडर फॉर्म में आता है, और आपको इसको रोज वाटर में, मिल्क में या हनी में मिक्स करके पेस्ट बनाना पड़ता है, बट बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है। और इसके जो क्लेम्स है, लाइक पिंपल्स को दूर करना, पिंपल के मार्क्स को दूर करना, स्किन को क्लीन करना, क्लियर करना, उसमें ये पूरी तरीके से खरा
सारा उतरता है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पिंपल्स में उनके माप में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो आई लव दिस प्रोडक्ट। इस पे मेरा पूरा का पूरा एक रिव्यू और डेमो वीडियो है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जरूर वो वीडियो चेक करिएगा। नेक्स्ट आई हैव पतंजलि मेहंदी पाउडर। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये 100% प्योर है, और दूसरी चीज कि इसमें मेहंदी पाउडर के अलावा वो सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम अपने मेहंदी में अलग से ऐड करते हैं। लाइक अगर आप अपने बालों में हेना लगाते होंगे तो आप उसमें काफी सारे अलग से प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, जैसे आंवला हो गया, शिकाकाई हो गया, भृंगराज हो गया। इसमें आपको कुछ भी वो यूज सब ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे वो सब ऑलरेडी एडेड है। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ, इसमें मेहंदी पाउडर ने हेना के अलावा आंवला, मेथी, शिकाकाई, नीम, भृंगराज, कत्था, चाय पत्ती, कलौंजी और नील पत्ता डाला हुआ है। तो आपको अलग से आंवला, भृंगराज, शिकाकाई ये सब ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसे चाय के पानी में या गर्म पानी में मिक्स करके रात भर के लिए रखना और सुबह उठ के लगा लेना है। मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपके बाल पूरी तरीके से व्हाइट है, आप उन्हें लाइक डार्क कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये बालों को बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं देता, लाइक लाइट गोल्डन कलर देता है या कॉपर कलर देता है आपके बालों को। बट अगर आपके बाल काले हैं और कहीं कहीं से थोड़े बहुत से सफेद हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि अच्छा सा गोल्डन या कॉपर ह्यू देगा आपके बालों में, और साथ ही साथ में बालों को कंडीशन करने का और उन्हें हेल्दी बनाने का बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं इसे महीने में एक बार यूज करती हूँ। मेरे बाल लाइक एक दो बाल थोड़े बहुत से व्हाइट है, हालांकि मैं व्हाइट बाल को काला करने के लिए यूज नहीं करती, मैं इसको यूज करती हूँ अपने बालों को कंडीशन करने के लिए, और ये उसका बहुत ही अच्छे से काम करता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये भी है कि ये काफी सस्ता आता है, 35 रुपीज में आपको 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो अगर आपका बाल मेरे जितना लंबा है तो आधा क्वांटिटी में एक बार का आपका पूरा हो जाएगा। सो दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फ्रॉम पतंजलि। नेक्स्ट आई हैव पतंजलि केश कांति मिल्क प्रोटीन शैम्पू। मैं पहले ही बता दूं कि ये शैम्पू 100% प्योर नहीं है, हर्बल नहीं है, 100% नेचुरल नहीं, इसमें केमिकल्स हैं। बट दिस वन इज माय फेवरेट। मैंने पतंजलि के 3-4 शैम्पूज का रिव्यू किया है, आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बट सारे के सारे शैम्पूज में से ये शैम्पू मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरे बाल जो है, जो लेंथ है वो ड्राई और रफ है, और उसको ये बहुत ही अच्छे से टैकल करता है। इनका जो मेन क्लेम है वो ये है कि ये ड्राई और रफ हेयर के लिए है, और ड्राई और रफ हेयर को ये बहुत ही अच्छे से टैकल करता है। मैं दुनिया में कोई भी शैम्पू यूज कर लूँ, आई ऑलवेज ऑलवेज कम बैक टू दिस शैम्पू, क्योंकि इस शैम्पू को यूज करने से मुझे कंडीशनर तक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छे से ये मेरे बालों को मैनेज करता है, उनके ड्राइनेस रफनेस को हटाता है, फ्रिज को कम करता है, मेरे बालों को स्मूथ बनाता है, और साथ ही साथ मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं देता है। तो आई लव दिस शैम्पू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका मैं मेंशन करना चाहती हूँ बट वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो है पतंजलि का कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल, जो कि 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। उसको मैंने यूज़ करा हुआ है पास्ट में और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैंने उसे अपने बाल में यूज़ करा है, हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि 100% प्योर है। तो अगर आप अपना करंट कोकोनट ऑयल चेंज करना चाहते हैं और कोई दूसरा कोकोनट ऑयल देख रहे हैं, तो आप एक बार ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल जरूर ट्राई करिए क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो यार, ये थे मेरे फेवरेट पतंजलि के स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी सीरीज में और भी ब्रांड्स को लेकर वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप सबके लिए जरूर बनाऊंगी वो वीडियो। और अगर आप पतंजलि के वर्स्ट प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है, तो भी बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।